मेरा नाम आनंद चिट्टी है और पिछले 18 साल से मैं स्नेक रेस्क्यूर का काम करता हूँ। दोस्तों, खास सांप यहाँ पर आया हुआ है। सांपों में कभी कुछ हुआ हो सकता है, बता नहीं सकते, लेकिन बैंडेड रेसर है और सबसे अलग अलग इसलिए क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों ने बैंडेड रेसर देखा होगा, धावक जो बोलते हैं, लेकिन ये सांप जो है छोटा है और छोटे और बड़े में बहुत फर्क होता है। और ये काफ़ी सर्प मित्र भी सांप पकड़ने वाले भी हमें पूछते हैं, तो ये यहाँ पर आराम से बैठा हुआ है। मुझे तो पहले और आपको भी लगेगा कि कौरी अलग सांप है वगैरह, लेकिन ये बहुत ही तेज तर्रार भागने वाला, यानी उसको धावक कहा जाता है। इसे छोटा सा छेद जो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी उसको निकालने के बाद आप आसानी से देख सकते हैं। बने रहिए। ये कैसे काटने को आ रहा है ये देखिए, और इसलिए मैंने थैली का इस्तेमाल किया क्योंकि ये बहुत काटने को आता है और उसको लगे नहीं ये भी देखना पड़ेगा। डरे मत, मेरे हाथ में। तो ये थोड़ा केंचुली निकालने को भी आया है। धावक है, बैंडेड रेसर कहा जाता है। रेसर धावक ये भागने का काम नाम हो गया, मतलब ये बहुत भागता है। इधर इस एरिया में काफी रहते हैं और ये इधर केंचुली निकालने को आया दूसरी बार और इससे सुंदर दिखाई देता था। यहाँ पर नोट करने की बात है, और इसके ऊपर जो आड़ी पट्टियाँ दिखाई दे रही है, ये जब बड़ा होता है तो पूरा क्लीन हो जाता है। और ये थोड़ा सा ब्राउनिश है, पीले जैसी झाग में ये दिखाई देने वाला सांप रहता है और ये तेज तर्रार भी रहता है, इसलिए तो धावक या बैंडेड रेसर कहा जाता है दोस्तों। और वैसे ये सांप जो है विषैला नहीं होता, लेकिन काटता ज्यादा है, जैसे मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और पहली बार पकड़ा तो काटेगा, इसलिए मैंने उसको थैली में से पकड़ने की कोशिश की दोस्तों, ताकि उसको भी कुछ ना लगे, क्योंकि ये सीमेंट की ईंट की यहाँ पर था। और आसानी के साथ भी मिला, आप उसको देख सकते हैं। काफी सर्प मित्र जो है इस सांप को लेकर कन्फ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि छोटा है तो उसको पता नहीं रहता, क्योंकि ये जो ऊपर इसकी लाइनिंग है ये बड़ा होने के बाद खत्म हो जाती है और पूरा एक ही रंग का ये बन जाता है। ये इसकी खासियत है और देखने के लिए एक जैसे काफी सांप होते हैं, हम भी कभी कभी दिक्कत में आ जाते हैं, सांपों का यही होता है। तो सांपों को इसीलिए मैं तो सर्प मित्र या सांप पकड़ते उनकी बात कर रहा हूँ, तो आम लोग जो है जिनको सांपों के बारे में कुछ पता नहीं है वो तो ज़्यादा सांपों के बारे में डरते हैं, तो जाती जानना बहुत ये है, लेकिन बहुत ही कम मिलने वाला ये सांप जो है आपको मैं दिखा रहा हूँ। हमारे इधर मेरे ख्याल से 6 महीने हुए होंगे मैंने पकड़ के इसको, तो इतना कम दिखाई देता है, लेकिन ये विषैला नहीं होता है और पेड़ पौधों पर भी रहता है और चूहे पक्षी सरट इसका पसंदीदा खाना होता है दोस्तों। बने रहने के लिए, कीमती वक्त देने के लिए शुक्रिया। इसी तरह सांपों को बचाने का, डर दूर करने का और जानकारी, नए नए सांपों को दिखाने का सफर जो है जारी रहेगा। आपके इधर भी अलग अलग सांप आ सकते हैं, आप मतलब आप हमारे पहले से वीडियो देखते हैं तो नए नए सांपों को भी आपको पहचानना आना चाहिए। जो कॉमन सांप है वो पहचाने, साथ में ऐसे जो सांप है उनको भी पहचाने, ताकि और खासकर एक आम अनुमान लगा के चले कि विषैले सांप जो है नाग, करेत, घोनस, फुरसा, इन सांपों को आपको पहचानना, तो बाकी के सांप लगभग बिन विषैले है ऐसा मान के आप चल सकते हैं और आप भी आम लोग भी सांपों को पहचान सकते हैं दोस्तों। बने रहने के लिए, कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये नन्ना सा प्यारा सा सांप, इसके लिए एक लाइक जरूर बनता है। यहाँ पर रुकते हैं, धन्यवाद।